हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी मैं लाइव आई थी, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। आज दिन है सैटरडे और मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अभी से। और मैंने अभी यहाँ पे दाल बनाने की तैयारी कर ली है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको लाइव में बताया था कि मुझे कहीं जाना है। तो जी हाँ, आज पीयू के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है और बारिश बहुत तेज हो रही है। तो अभी टाइम हो रहा है 11 और मैं 11 से 12 ही टाइम है पेरेंट्स मीटिंग का। लेकिन जैसे ही बारिश थोड़ी कम होती है मैं तुरंत निकलूंगी, चाहे वो 11:15 11:30 जैसे भी हो। तो मैं जल्दी जल्दी खाने की तैयारी भी कर ले रही हूँ, क्योंकि आ करके फिर खाना बनाना होगा और बीहू घर पे ही रहेगी, मैं उसको लेके नहीं जाऊँगी क्योंकि बारिश हो रही है। तो बस फिर चलिए जल्दी जल्दी खाना बना लेते हैं और फिर मैं आपको थोड़ी देर से मिलती हूँ। तो मैं यहाँ पे तुअर दाल यानी कि अरहर दाल को फ्राई कर रही हूँ और मैंने यहाँ टमाटर प्याज को अच्छे से भून लिया है, उसमें मसाले भी डाल दिए। और आप बाहर देख सकते हैं काफ़ी तेज़ आपको बारिश दिखाई दे रही होगी। तो बस मैं यहाँ पे दाल फ्राई कर रही हूँ और मैं यहाँ पे चावल को भी भिगो के धुल करके रख दूँगी, और जब खाना होगा तो उस समय हम इसमें सीटी लगा देंगे। मैंने आटे को भी गूँथ दिया है। आपने जैसा देखा कि मैं स्कूल जाने वाली थी पीहू के पेरेंट्स मीटिंग में, बट यहाँ बहुत तेज़ बारिश होने लगी और मैं पेरेंट्स मीटिंग में नहीं जा पाई। और मैंने अभी ड्रेस चेंज कर लिया है क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है और पेरेंट्स मीटिंग का टाइम भी 11 से 12 ही था। तो अब बजने वाले हैं 1 और मैंने खाने की तैयारी कर ली है सुबह ही। जैसा कि आपने देखा था, मैंने दाल फ्राई कर दिया, चावल भिगो दिया था, आटा सान के ही रख दिया था, मतलब गूंथ के लगा दिया था। और बस मैं अभी बैठी थी तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से थोड़ी बातें कर लेती हूँ। और बताइए आप लोग कैसे हैं। ये व्लॉग हो सकता है आने में थोड़ा सा टाइम लग जाए, क्योंकि मैंने 2-3 वीडियो प्लान करे हैं आप लोगों के लिए, 1-2 चैलेंज वीडियो भी प्लान कर रही हूँ। तो देखती हूँ ये व्लॉग कब आता है, लेकिन आएगा ज़रूर। आपको मेरी सारे जो चल रहा है लाइफ में वो सब मैं बताती रहूँगी। तो बस इतना ही था और मैं अभी बैठी हुई हूँ, खाने की तैयारी कर लिया है मैंने। बस अभी थोड़ी देर में हम लोग लंच करेंगे 1:15 के आसपास। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ होममेड विक्स, जो कि मैं घर पर ही बनाती हूँ। आप लोग को बहुत लोगों को पता होगा आप लोगों में से कि मैं पीहू के लिए घर पर ही विक्स बनाती हूँ, बाहर का विक्स यूज़ नहीं करती हूँ। इसकी मैंने कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, पूरी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर पहले ही डाला है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इसको पसंद भी किया है, तो आई होप आपने ये भी आपको अच्छा लगेगा। तो मैं बना रही थी तो मैंने सोचा चलो मैं आपके साथ इसको शेयर कर देती हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर घर का होममेड घी लिया है और इसमें हमें चाहिए कपूर, और आज मैं इसमें मेथी और अजवाइन भी डालूंगी जो कि मैंने पहले नहीं यूज़ किया है। तो मैंने अब यहाँ पे थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा मेथी दाना डाल दिया है, आधे आधे चम्मच के करीब। और मैं इसमें डालूंगी 6 से 7 कपूर, छोटी वाली गोली जो होती है। देखिए आप देख सकते हैं इसमें आग पकड़ लिया है और मैंने अब गैस बंद कर दिया है। आपको गैस बंद करने के बाद 5 से 7 मिनट रुकना है, जब आपका घी थोड़ा सा लुक वार्म हो जाएगा तब आपको उसमें ये जो कपूर की गोलियाँ हैं वो डाल देना है। अगर आपका बड़ा कपूर है तो आप 1 से 1.5 गोली भी यूज़ कर सकते हैं, टिकिया यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए अब मैं आपके सामने ये बनाऊंगी और फिर जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं इसको अपनी एक डिब्बी में पलट लूँगी, छान लूँगी, क्योंकि इसमें है अजवाइन और मेथी जो कि बहुत ही अच्छा होता है बच्चों के लिए, ये गर्म करता है। तो आप लोग प्लीज़ इस रेसिपी को, इसको DIY को ज़रूर यूज़ करिएगा अपने बच्चों पर। मैं तो कभी भी बाहर का विक्स यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैं आपको हमेशा यही सजेस्ट करूँगी कि बच्चों को जब भी जुखाम सर्दी हो जाए तो आप हमेशा घर का ही बना हुआ विक्स लगाएं, और घर का बहुत ही अच्छा शुद्ध आपका विक्स तैयार है।
एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी शाम हो चुकी है और अब जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको अभी विक्स बनाने की पूरी पूरी रेसिपी दिखाई कि आप कैसे घर पे विक्स बना सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा कि आपने बनाया तो आपने लगाया और आपको कैसा लगा। और आपको पता है, जब ये विक्स बनाओ ना तो आपके घर में इतना अच्छा अरोमा हो जाता है, इतना अच्छा कूजी कूजी सा फील होता है कि बस पूछो ही ना। मतलब जब मैं बना रही थी तो बारिश हो रही थी और पूरे घर में बहुत ही अच्छा फ्रेग्रेंस और एरोमा फैल गया था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत अच्छा विक्स है, बहुत इफ़ेक्टिव है, बाहर के विक्स से बहुत लाख गुना बहुत अच्छा है। तो प्लीज़ इसको बनाइएगा। तो चलिए फिर अभी मैं व्लॉग यहीं पे स्टॉप करती हूँ, थोड़ी देर से मिलती हूँ सीधे डिनर के टाइम पे। और आज डिनर पे कुछ स्पेशल बन रहा है, तो ज़रूर देखिएगा कि पूरे व्लॉग में आगे व्लॉग पूरा देखिएगा कि आगे रेसिपी में क्या क्या बनता है। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय। तो फ्रेंड्स, अभी शाम हो गई है, मतलब कि 7 बज रहे हैं और हम लोग यहाँ पे डिनर की तैयारी कर रहे हैं। तो आज फिर मेरे हस्बैंड आ गए हैं कुकिंग करने के लिए, तो वो बना रहे हैं आज मलाई पनीर टिक्का, यानी कि मलाई पनीर टिक्का। यस, आप सही सुन रहे हैं। और कैसे बनाते हैं पूरी रेसिपी मैं आपको दिखाती जाऊंगी। तो बस यहाँ पे इन्होंने गार्लिक घिस लिया है, सब कुछ जुगाड़ से कर रहे हैं। बहुत सी इसमें चीज़ें हैं जो घर पे अवेलेबल नहीं है, बारिश हो रही है तो लेने भी नहीं जा सकते हैं, तो हम लोग सब कुछ घर पर जुगाड़ करके ही बना रहे हैं। और मेरे हस्बैंड ही बना रहे हैं, मैं नहीं बना रही हूँ। तो इन्होंने गार्लिक घिस लिया है और उसमें चिली सॉस और गार्लिक अच्छे से मिक्स करके पूरा कोट कर रहे हैं पनीर को, यानी कि मैरिनेट कर रहे हैं। मैंने सारी चीज़ें पील कर दी हैं, कट कर दी हैं और अब वो उसको बना रहे हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे सभी चीज़ सारे पनीर मैरिनेट हो गए हैं। अब इन्होंने लिया है पनीर, सॉरी मलाई। मलाई में अब ये सूखे मसाले डाल रहे हैं, जिसमें धनिया, मिर्ची, हल्दी, नमक, गरम मसाला, चाट मसाला, ये सारे जो सूखे मसाले होते हैं वो सब मिला करके ये देखिए पेस्ट तैयार है। अब इसमें हमें डालना होगा शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज और पनीर, जिसको कि हम रख देंगे मैरिनेट होने के लिए अगेन। तो ये देखिए, सारा इसको इसमें कोट कर लेंगे और फिर इसको रखेंगे फ्रिज में थोड़ा देर ठंडा होने के लिए। तो फिर चलिए, ये जब तक बना रहे हैं तब तक हम थोड़ा और काम कर लेते हैं और मैं इसमें म्यूजिक सेट कर देती हूँ, जिससे ये थोड़ा आपको और इंटरेस्टिंग लगेगा। अब यहाँ पे तवा गरम कर लिया गया है और इसमें डाला गया है देसी घी, और ये हम ऑयल में नहीं बनाएंगे, हम इसको बनाएंगे देसी घी में। अब एक एक करके सारा मैरिनेट, टमाटर, प्याज और पनीर जो है, शिमला मिर्च है, वो सब इसमें डाल दिया जाएगा। हमारे पास ग्रिल वाला तवा नहीं है तो हम उसके ऑल्टरनेट करके, मतलब जुगाड़ करके इसमें अपना जो नॉर्मल तवा है, नॉन स्टिक वाला, वो यूज़ कर रहे हैं। और फिर चलिए, जब ये बन जाता है तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ और बताती हूँ कि आज मलाई पनीर टिक्का कैसा बनाया था मेरे हस्बैंड ने। वैसे मैं कह सकती हूँ बहुत अच्छा खाना बना लेते हैं मेरे हस्बैंड, बहुत ही अच्छा, टेस्टी, टेस्ट बहुत अच्छा है इनके हाथों में।
तैयार है हमारा मलाई पनीर टिक्का, और आइए आप भी हमारे साथ डिनर करिए। और देखने में तो ये बहुत ही टेस्टी लग रहा है, तो चलिए फिर मैं डिनर कर लेती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ कि कैसा बना था ये पनीर टिक्का। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। क्या किया है पीहू आपने? क्या है ये? हाँ, क्या बनाया आपने ये पूरे रूम का हाल? और मेरी टॉवल वहां क्यों पड़ी है? तो वेलकम बैक फ्रेंड्स, और अभी हम लोगों ने डिनर किया, और उसके पहले बाद में मैंने आपको दिखाया कि पीहू ने रूम का क्या हाल कर दिया है। उसने सारे कुशन टैडी वैडी सब हटा करके इधर उधर फैला दिए हैं, और ये बैठी हुई है मेरे पास में अभी शैतानी करके। तो अभी मुझे वो भी ठीक करना है, सब कुछ अरेंज करना है। और काफ़ी अच्छा पनीर टिक्का बनाया था, मतलब मलाई पनीर टिक्का मैं आपको बोल सकती हूँ। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और बताइएगा कॉमेंट करके कि आपने बनाया तो आपको कैसा लगा। मुझे तो बहुत टेस्टी लगा, बहुत यम्मी था। आज बढ़िया टेस्टी डिनर हो गया हमारा। तो पनीर टिक्का था, साथ में मैंने कुछ और ऐसे ही चुटपुट चीज़ें बना ली थी, मतलब बनाया था फ्रैंकी रोल, और वो भी पनीर का ही फ्रैंकी रोल था। अगर आप उसकी पूरी रेसिपी देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं वो भी रेसिपी दिखा दूँगी। और ये देखिए पीहू आके अपनी एक्टिंग दिखा रही है। बोलो क्या डैडी ने मलाई पनीर टिक्का कैसा बनाया था? अच्छा बनाया था। पसंद आया आपको? पसंद। टेस्टी था? टेस्टी था। हाँ, तो भाई पीहू ने भी बता दिया टेस्टी था। और हाँ, आज मैं आपको बताऊँ, मेरा बहुत मन था पीहू की पेरेंट्स मीटिंग में जाने का, लेकिन नहीं जा पाई। बहुत मन था प्लान, लेकिन फ्लॉप हो गया क्योंकि बारिश हो रही है। आपको तो पता ही है मुंबई में बहुत बारिश होती है, तो कोई भी प्लान जल्दी से सक्सेसफुल नहीं होते हैं। वो कैंसिल हो गया, बट कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम था। कभी फिर पीहू प्लीज़, नेक्स्ट टाइम फिर होगा पेरेंट्स मीटिंग तो मैं ज़रूर जाऊंगी, मेरा बहुत मन था। तो चलिए फिर अब ये व्लॉग मैं यहीं पे फिनिश कर देती हूँ, क्योंकि अभी काफ़ी बड़ा हो रहा है व्लॉग। और फिर मिलती हूँ आपको अपने एक और नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट। And bye bye, good night. And bye bye, good night.